अगर जिया को ये उम्मीद है कि ताई अम्मी मान जाएंगी तो ये नामुमकिन है। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस तुम्हें एक बात याद रखो कि तुमने बड़ा सा घर बनाना है। जिया याद रखो, मर्द औरत के पीछे एक हद तक भागते हैं, साथ ना मिले तो अपना रास्ता बदल लेते हैं। हेलो जिया, सब ठीक तो है ना? हाँ किरण, सब ठीक है, लेकिन तुमने कुछ सोचा अब मुझे आगे क्या करना है? तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है कि तुम्हें ना कोई पछतावा है ना कोई दुख। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया तुम्हारे साथ, रिजवान शाह ने तुम्हें धोखा दिया है जिया। हाँ मगर। क्या मगर? भूल गई? तुम्हारे हाथ अब कुछ भी नहीं रहा, कोई अफसोस नहीं है तुम्हें? रिजवान शाह शौहर है मेरा। अच्छा, फिर बता दो ताई अम्मी को सब कुछ। पागल हो गई हो क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें रिजवान शाह से ना कोई गिला है ना कोई शिकायत है। तो अगर फिर भी वो है तो मेरा शौहर ही ना। किरण तुम बोल क्यों नहीं रही? हाँ जिया, तुम सही कह रही हो, वो तुम्हारा शौहर है। उसे ना लड़ना ना झगड़ना और ना ही नाराज होकर बैठ जाना, और अब तुम रिजवान शाह से खुल के मिलो। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। लड़ने का कोई फायदा नहीं है, फोन करेगा तो थोड़े से नखरे दिखा के मान जाऊंगी मैं। हाँ हाँ जिया, बिल्कुल ठीक है, बस तुम रिलैक्स हो जाओ, कल मिलेंगे मैम के घर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रिजवानशा, मैं किरण। माशाल्लाह, आफाक को देखकर बहुत खुशी हुई, अल्लाह नजरे बद से बचा कर रखे। आमीन। इसीलिए तो चांद सी बहू ढूंढ रही थी। बानो बहन, एक बात करूं, आजकल वो आपकी बहन सफिया और किरण नजर नहीं आ रही। पहले भी कई बार पूछना चाह रही थी लेकिन मुनासिब नहीं लगा। तो बेहतर है आप मुझसे ये सवाल मत करें। दुखी हो जाती है अपनों की कमजोरी को याद करके। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्यों आई? आपा, जिया के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था तो मैं। खामोश और यहाँ से चली जाओ। इतनी संगदिल ना बन, मैंने उसे बेटी बनाकर पाला है आपा, उसके दुख में शरीक होना मेरा फर्ज है। मैं कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। बानो बहन, खुशी के इस मौके पर दोनों बहनें नाराजगी खत्म करें। सफिया, बानो से गले मिलो। आपा अगर मुझे माफ कर दें तो मैं अपनी आपा के पांव भी पकड़ लूं। आप नहीं जानती कि इसने और इसकी बेटी ने मेरे साथ क्या क्या किया है। ये मेरी बहन नहीं, दुश्मन है, और इसने मेरे साथ। मेहमानों के सामने तो ऐसी बातें मत करें, क्या सोचेंगे वो लोग? जिया, इससे पहले कि मैं कुछ और कर बैठूं, इसे कहो कि ये यहां से चली जाए। अच्छा मैं कहती हूँ, तब आप चले मेरे साथ। मम्मी चलें? आंटी की तबीयत मुझे कुछ सही नहीं लग रही, हम फिर कभी आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, आज तो हमने निकाह की तारीख भी तय करनी है। I
I'm sorry, किरण, मगर वो न जाने कैसी घड़ी थी कि मैंने तुम्हारी तरफ से जोड़ा और गजरे जिया के लिए इसलिए लाए थे ताकि उसको यकीन हो जाए कि वो तुम्हारी दुल्हन है, तुम्हारी बीवी, मगर तुम किरण, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे एतमाद को धोखा दिया। देखो, हम ये सब ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है। जिया तुम्हारे निकाम है, वो तुम्हारी बीवी है। दुनिया या शरीयत का कोई कानून तुम्हें गुनाहगार साबित नहीं कर सकता, लेकिन कुछ माशरती मजबूरियां भी तो होती हैं। जिया सादा और मासूम लड़की है, बहुत बुजदिल है। अगर ताई अम्मी को पता चल जाए तो वो जिया को जान से मार देंगी और तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। लेकिन तुमने अभी तो कहा है कि दुनिया या शरीयत का कोई कानून हमें गुनाहगार साबित नहीं कर सकता। मगर अब आगे क्या करना है वो डिस्कस करने आई हूँ। जिया बेटा, मैं जानती हूँ नफीसा और आफाक के जाने से तुम्हारे दिलो दिमाग को शौक लगा। तुम सोचती होंगी कि आखिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। मतलब फिर क्या सोच रही थी तुम? मेरा मतलब कि मैं ये सोच रही थी कि शायद मेरे नसीब में यही लिखा है। आप देखें ना, नफीसा आंटी पहले खुद मुतासर होके आई और अब खुद ही पीछे हट गई। हमारे घर की हर खुशी का खून सफिया और उसकी बेटी के हाथ होता है। पता नहीं मनहूस कहां से आ गई एन टाइम पे। वरना नफीसा की सारी हमदर्दियां लेकर चली गई। अम्मी, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था। अभी मैं वकार के सदमे से निकली नहीं थी कि फिर ये इनकार। पहले ही मोहल्ले में इतनी बदनाम हो चुकी हूँ और अब नफीसा आंटी लोगों के घर जा जा के अपने इनकार की कहानियां सुनाएंगी। किसका फोन आ रहा है? हम बहुत शर्मिंदा है जो यूं उठकर आ गए। हमारे साथ ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, आप ये ना समझेगा कि हमने रिश्ते से इनकार कर दिया है। मैं और अफाक आ रहे हैं जिया को मंगनी की अंगूठी पहनाने। इजाजत है ना? जी जी जरूर। मैंने तो जबान दे दी है, लेकिन यह अचानक तब्दीली। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं आकर बात करती हूँ। चलिए ठीक है, हम इंतजार करेंगे। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। जिया, बहुत मुबारक। देखा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। नफीसा को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दोबारा आ रही है हमारे घर मंगनी की अंगूठी लेकर भी। खालिदा, ये कहीं छुट्टी तो नहीं कर गई? अरे भी खालिदा, फिर मुसीबत गले पड़ गई। मुझे जिया को इस बात का अंदेशा है कि कहीं तुम बदल ना जाओ। तुम्हारे रास्ते में जो मुश्किलात हैं उनसे घबरा कर तुम रास्ता ना बदल दो। किरण, कैसी बातें कर रही हो तुम? जिया मेरी मोहब्बत है, मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, और अब तो मेरी इज्जत भी है, मेरी बीवी है वो। जिया से बेवफाई का मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं बानो आंटी के पास जाऊं, अपना निकाह नामा दिखाऊं और जिया को लेकर अपने पास आ जाऊं। खुदा के लिए रिजान,
जल्दबाजी ना करना, वरना ताई अम्मी को पता चल जाएगा कि वकार के साथ जो कुछ हुआ वो हमने किया। अभी वकार वाला जख्म ताजा है, महीना दो महीने गुजरने दो, फिर जो कुछ करना है तुम कर लेना। देखो तुम शोहर हो, जिया पर तुम्हारा हक है, लेकिन प्लीज अभी नहीं। ताई अम्मी की कीना परवरी को तुम नहीं समझते। ठीक है, पहले भी जैसा है तुमने कहा था वैसे ही किया, दो महीने और इंतजार कर लेते। अच्छा बस जिया को मिलना नहीं छोड़ना, और ये लो ये रूना मैम की घर की चाबी है, तुम जब चाहो जिया को वहां ले जा सकते हो। मगर जिया, उसे मैं समझा लूंगी, वो जरूर मिलेगी। और वैसे भी मैं तुम दोनों को जुदा होते हुए नहीं देख सकती। किरण, तुम ना होती तो शायद हम दोनों कभी एक ना हो सकते। तुमने मेरे और जिया के लिए बहुत कुर्बानियां दी। कुर्बानी तो छोटा लफ्ज है, मैंने बहुत जिल्लत और बदनामी उठाई है, मेरे डॉक्टर बनने के ख्वाब की कुर्बानी भी दी है, मगर फिर भी मैं खुश हूँ कि तुम दोनों एक साथ हो और ये वक्ती जुदाई भी खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ तुम बताओ। वो अरुणा मैम एक हॉस्पिटल प्लस मैटरनिटी होम बना रही हैं। ये मेरा भी ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं और एक हॉस्पिटल बनाऊं, इंसानियत की खिदमत करूं। तुम्हारे ख्वाब अब भी पूरा हो सकता है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल बनवा के दे देता हूं और उसकी मालिक तुम होगी। नहीं, मुझे यूं लगेगा जैसे मेरे एहसानों की कीमत तुमने दी है। किरण, तुमने मुझे और जिया को एक करके जो एहसान किए ना हम पे, वो एहसान तो मैं मर कर भी उतार नहीं सकता। ये तो सिर्फ एक हकीर सा नजराना है। अगर जिया को मालूम हुआ तो वो क्या सोचेगी? जिया को मैं पता ही नहीं लगने दूंगा। वादा? हाँ वादा। बहुत शुक्रिया रिजान शाह, एक ख्वाब की ताबीर तो मिलेगी। और दूसरे ख्वाब की ताबीर मैं खुद पालूंगी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ताई अम्मी, आप आगे आगे देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। आपने मेरा घर देख लिया है, आपने फौरन इसका सौदा कराना है। हाँ, हो जाएगा। अच्छा, मुझे नया घर पसंद है और मुझे फौरन वहाँ शिफ्ट होना है। हो जाएगा, आप सिर्फ हाँ तो करें। अरे भी कह तो रही हूँ कि मुझे घर में शिफ्ट होना है, मुझे घर पसंद है, बस आप सफाई करवाएं, तब तक मैं अपना जरूरी सामान पैक कर लेती हूँ। सफाई की जरूरत नहीं है, घर फुली फर्निश है, आप जरूरत का सामान उठाएं और शिफ्ट हो जाएं। मैं अभी कॉल करता हूँ मालिक को और आपका एग्रीमेंट करवा देता हूँ। जी शुक्रिया। अब ये घर तो शिफ्ट करिए, अगर इस घर में अब्बू की यादें बसी हैं। तुम्हारे अब्बू की यादें ही तो हैं जो सफिया को बेकरार रखती, तभी तो मुंह उठाए जब मर्जी आ जाती। मगर अम्मी, अगर मगर छोड़ो, अपना जरूरी सामान पैक कर और बाकी का यहाँ ही हम लॉक कर जाएंगे। जाओ खालदा को भेजो, मैं उसे बताऊं सब सामान पैक करना। मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी बेटी की इज्जत की खातिर मुझे ये घर बेचना पड़ा। नफीसा को फोन करके नए घर का एड्रेस बता दूं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम।
मम्मी सब खैरियत से? आप कहीं गई थी? बहुत दिनों से कश्मकश में थी, लेकिन मेरी बहन ने मेरे खुशियों का खून कर दिया। मैंने सोचा मैं आपा के पास जाऊंगी, उसके दुख सुख बांटूंगी, लेकिन उन्होंने आज भी मुझे जलील करके घर से निकाल दिया। मम्मी आप ताई अम्मी के पास गई थी उस मखरूर औरत का दुख बांटने, जिनके लिए रिश्ते, इंसानियत, ईमान सब दौलत है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। और जिया मुझे तुमसे ज्यादा प्यारी। ऐसी की तैसी जिया की, आप बस कुछ दिन इंतजार करें, नफरत और गुरूर के पहाड़ आपके कदमों में होंगे, फिर देखिएगा कैसी ठोकरें खाएंगी वो। अल्लाह ना करे, वो मेरी बहन है। आज जब मैं आपा के घर गई तो जिया की बात पक्की हो चुकी थी, रिश्ता तय हो चुका था। क्या, फिर रिश्ता? हाँ बेटा, वो आपा के घर के पीछे नहीं है नफीसा बाजी, अफाक से रिश्ता तय हो चुका था। अद्दा ने पता नहीं क्या कुछ बताया होगा। अरे भाई, देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। ये सफिया ने लगाई बुझाई तो बहुत की होगी। मैं आज का सोच रही थी और तुमने मेरा मुस्तकबिल ही बना दिया। पर तुमने ये कैसे किया? उस अमीर जादे को राजी कैसे किया? जिया का रिश्ता टूट गया। पागल हो गई हो, हंस क्यों रही हो? ताई में जिया की शादी के ख्वाब होते होते पागल खाने पहुंच जाएंगे। Yeah.